तो है गाइज, नीट 2022 को लेकर के पोस्टपोन को लेकर के नीट 2022 का एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, इसके वीडियो में आपको मैं बहुत सारे वीडियो देखाऊंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको 100% ऑफिशियल न्यूज़ बताऊंगा और खुशखबरी क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो जा करके चैनल विजिट करिए, आपको बेनिफिट 100% होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, देखिए सबसे पहले जो अभी तक जो है वो NTA कोई भी फैसला नहीं ले रहा था नीट 2022 के पोस्टपोन पर, कोई फैसला नहीं ले रहा था, कोई मतलब ध्यान भी नहीं दे रहा था उतना ज़्यादा। लेकिन जब ट्विटर पे कैंपेन चला है, लगभग 7 जून को जो ट्विटर पे कैंपेन चला है, उसके बाद से अब जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है वो ट्वीट और रीट्वीट किया था, इसीलिए अब जो है वो NTA वालों ने थोड़ा सा जो है वो आप अपनी मुंडी इधर घुमाई है और अब जो है वो फैसला उन्होंने लिया है। मतलब कि जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और साथ में NTA, अब ये दोनों लोग जो है वो आपस में बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद से जब इन लोगों में डिस्कस होगा कि नीट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए कि नीट 2022 का एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन करना चाहिए, ऑफिशियल एक तरह से रीजंस देखेंगे जो लॉयर ने दिए हैं, बहुत सारे रीज़न दिए हैं कि क्यों पोस्टपोन होना चाहिए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो ये सभी जो है वो एक तरह से पूरा हर एक चीज़ देखने के बाद से तब जाके नीट NTA जो है वो फैसला सुनाएगा कि हाँ नीट 2022 का एग्ज़ाम आएगा कि नहीं आएगा। और कब तक जो है वो फैसला आ सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन का वेट करिए, 10 से ऑलमोस्ट 15 दिन, 10 से 15 दिन में आपका जो ऑफिशियल न्यूज़ है नीट 2022 के पोस्टपोन पे, वो आपका आ जाएगा कि नीट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। तो इसीलिए आप होप मत हारिएगा, ज़रूर से नीट 2022 पोस्टपोन होगा, और भले ही 2 से 3 वीक हो लेकिन पोस्टपोन जरूर से होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर विजिट करिए, बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू।